so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। सो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो इस वीडियो को हम लाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। सो अगर आप लाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस सो बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो यार वीडियो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले अलाइट मोशन में आना है और प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है। तो जो ही फोल्डर में आपका फोटो है ना, सिंपली आपको अपनी फोल्डर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपनी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना है। एक फ़ोटो को ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके इस पोर्ट पर क्लिक कर देना है। सो गाइस अब यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, आपके सामने ऑप्शन आएगा सेव करके सेव पे क्लिक करना है। फिर इस फोटो को डिलीट कर देना है एंड प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट फोटो को ऐड करना है। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है। शेयर का आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज पीएनजी को सिलेक्ट करके इस पोर्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है, सेव करना है, इस फोटो को डिलीट करना है। सो गाइस मैं आपको बता दूं इस प्रकार से आपको टोटल जो है ना 8 फोटो यानी कि 8 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी 8 फोटो को क्रॉप करके सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। तो यार आप भी अपनी फोटोज़ को यहाँ पर क्रॉप कर लो। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने जो यहाँ पे फोटो को क्रॉप करके सेव कर लिया है। अब यहाँ से आपको बैक आ जाना है और बीटमार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे जो सबसे नीचे में लिखा हुआ है एक्सेप्ट इमेज वाला लेयर, इस पर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पर क्लिक करके टैक्स पर क्लिक करना है और ऊपर आपको अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपने जो फोटो को क्रॉप किया है उसमें से पहला फोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पर क्लिक कर देना है। ओके अब आपको आगे जाना है स्लाइड करके और यहाँ पे जो नेक्स्ट लेयर है 12 सेकंड पे इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करना है। ओके इस टैक्स पे क्लिक करके अपना नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि एक बीट मार्क के अंदर आपको 2 इमेज मिलेगा और दोनों इमेज में आपको सेम फोटो को ही एड करना है। जैसे कि आप लोग देखते हो ये बीट मार्क के अंदर यहाँ पे 2 फोटो था ना, तो इस प्रकार से 2 लेयर था तो दोनों मैंने एक ही फोटो को एड किया। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके टैक्स पर क्लिक करना है और अपना फिर से फोटो को चेंज करना है और जो डबल बीट मार्क मतलब बीट मार्क के अंदर जो 2 लेयर है इन दोनों लेयर में आपको सेम फोटो को ऐड कर लेना है इस प्रकार से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार से। बस आपको इसी प्रकार से लेयर पर क्लिक करके कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, टैक्स पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पर क्लिक करना है। तो इतना ध्यान रखना कि एक बीट मार्क के अंदर 2 फोटो है तो दोनों फोटो में आपको किसी एक मतलब फोटो को ऐड करना है, यानी कि एक बीट मार्क के अंदर 2 लेयर है तो दोनों लेयर में आपको एक फोटो को ऐड करना है, बस हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, टैक्स पे क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करना है, ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। सो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लास्ट सही फोटोज को ऐड कर लेना है जिस प्रकार से मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से जो मैंने फोटो को ऐड कर लिया है। अब इस प्रकार से फोटो ऐड कर लेना, फिर यहाँ से बैक आना है और इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सर्टिफाइड लिखा होगा। अब यहाँ पे आपको इस वाले डब्बे आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट अ लेयर करना है, फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी 7 लेयर यानी कि कॉपी 7 लेयर करना है। यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करके शुरू में ही आपको इस डब्बे आइकन पे क्लिक करना है, पेस्ट 7 लेयर यानी कि पेस्ट 7 लेयर कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से हो जाएगा ऑटोमेटिक, सब कुछ यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर शेयर का आइकन पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।